हे गाइस, माय नेम इज दिनेश वानखेड़े एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, हमने पिछले वीडियो में देखा किस तरह से टूल्स का यूज़ होता है डिज़ाइनिंग के लिए, और थोड़ी हमने सेटिंग भी सीखी। तो इसी तरह से हम आज और थोड़ी सी सेटिंग सीखेंगे जो कि डिज़ाइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल सेटिंग की। तो सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एडिट में जा रहा हूँ। एडिट में जाके सबसे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रेफरेंस लिखा है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद और एक टैब खुल जाता है और यहाँ पे लिखा है जनरल, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के। अब कंट्रोल के कर से आप सेटिंग खोल सकते हैं। तो आप देखिए, मैंने इस पर क्लिक करने के बाद हमारी जो सेटिंग है यहाँ पे ओपन हो जाती है। तो आप यहाँ पे एक इंटरफेस देख सकते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग्स है। तो हमें वो समझना है कि डिज़ाइनिंग के लिए क्या क्या सेटिंग्स होती है। तो सबसे पहले है हमारी कलर पिकर। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो देखिए दो ऑप्शंस है, यहाँ पे लिखा है विंडोज़ और एडोब। तो हमें एडोब रखना है, हमेशा हमें एडोब ही रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कलर पिकर। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यू स्ट्रिप, हमें वही रखना है, कुछ चेंज करना नहीं है। जैसे मैंने सेटिंग रखी है उसी तरह से ये सेटिंग आपको भी रखना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैंने जो ऑप्शन चुना है नेबर नियरेस्ट नेबर चुना है। तो ये जो है ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे तभी आपको ये जो ऑप्शन है इसके यूज़, ये जो सब यहाँ पे जो ऑप्शंस है इसके यूज़ समझ में आएंगे। क्योंकि मैं अभी आपको ये बताऊंगा तो आपको ये ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। जब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे, जब थोड़ा सीख जाएंगे, तो उसके साथ ही साथ ये भी हमें समझ में आ जाएगा। तो ये भी हमें सेम रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस है ऑटो अपडेट एंड ये सब ऑप्शंस जो रखा है मैंने, जिसे मार्क करा है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट रहते हैं, फोटोशॉप में ऑलरेडी आते रहते हैं, खाली ये जो ऊपर की सेटिंग है ये थोड़ी चेंज होती है, तो ये मैंने कर दी है। तो इसी तरह से आपको ये जो फर्स्ट पेज है जनरल का, ये भी हमें सेम टू सेम रखना है। ऑलराइट, उसके बाद हमें करना है नेक्स्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है और हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये जो हमारा सेकंड पेज है उस पर भी हमें सेम सेटिंग रखना है, इसमें कुछ चेंज करना नहीं है। इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ से आप फोटोशॉप की जो थीम कलर है वो चेंज कर सकते हैं। तो हमें जो कंफर्टेबल थीम है, जो हमारी हमारी ग्रे कलर की है, या जो रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो मैं ग्रे कलर की रखता हूँ जो मुझे कंफर्टेबल है। तो आप बाकी कोई सेटिंग चेंज करना नहीं है, ये एज इट इज़ हमें यहाँ पे सेम टू सेम सेटिंग रखना है। उसके बाद हमें करना है नेक्स्ट पे क्लिक। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक पेज आया है। उसके बाद जो सेटिंग यहाँ पे है वैसे ही हमें सेटिंग रखना है, ज़्यादा कुछ चेंजेस करना है नहीं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है तो ये वैसे ही रहना है। बाद आप देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ज़रा राइट साइड में थोड़ी सेटिंग्स दी है जूम को लेके। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो जो ऑप्शंस है वो मार्क करके रखा है क्योंकि मैं इससे काम करता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है जूम विथ स्क्रोल व्हील। तो अगर आप इसे मार्क करते हैं तो आप जो अपनी स्क्रॉल बटन है माउस की, उससे आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट, जूम इन। और उसके साथ ही साथ सेकंड ऑप्शन है एनिमेटेड जूम। मींस एनिमेटेड जूम मींस आपको मैं बता देता हूँ, एक मिनट। जैसे मैंने इसे ओपन कर दिया, जैसे मैं देखिए यहाँ पे मैंने जूम टूल लिया है, उसके बाद मैं इस तरह से एनिमेटेड जूम कर सकता हूँ। देखिए इस तरह से ये काम करता है, देखिए इसे कहते हैं एनिमेटेड जूम। ऑलराइट, उसके बाद हम जाते हैं हमारी सेटिंग्स पे। देखिए ये सेटिंग मैंने आपको बता दिया, बाकी तो सेम सेटिंग रखना है, उसमें कुछ करना है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट करना है और यहाँ पे कोई सेटिंग है नहीं। उसके बाद फिर से एक बार नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा पेज है और इसे भी हमें कुछ करना नहीं है, हमें एज इट इज़ रखना है, कुछ चेंजेस करना है नहीं। और फिर से एक पेज आता है, उसमें भी हमें सेम टू सेम रखना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो परफॉर्मेंस है, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारी सेटिंग है, यहाँ पे जिस पे हमने क्लिक किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें देखिए यहाँ पे हिस्ट्री स्टेट आया है। तो अभी यहाँ पे 1000 है, मैंने रखा है 1000। एक्चुअली जब हम फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं तभी ये 15 या 10% रहता है। तो हमें क्या करना होता है, इसे 1000 रखना होता है। क्योंकि जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तभी क्या होता है, जब हम समझ लो डिज़ाइन बना रहे हैं और कुछ हमारा हम कहीं पे हमारी गलती हो गई और हम आगे बढ़ गए, तो हमें क्या वो गलती को सुधारने के लिए पीछे आना पड़ता है। तो उसके लिए ये यूज़ होता है, जैसे बैकवर्ड्स कहते हैं, जिसे हम कंट्रोल जेड से बैक जाते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी है वहाँ हमें 100 रखना है। उसके बाद बाकी सेटिंग सेम रखना है, उसमें कुछ करना है नहीं। ऑलराइट, और उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रेच डिस्क आया है। उसके बाद ये भी सेम रखना है, उसमें कुछ करना नहीं है, जो सी हमारा सिलेक्ट है वही रखना है। उसके बाद
और एक सेटिंग आई है, उसके भी उसको भी सेम रखना है, उसमें कुछ करना है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट करिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी सेटिंग्स आई है। तो हमें यहाँ से क्या होता है, हमें जब भी इस ऑप्शंस को ग्रिड साइज़ को चेंज करते हैं, जैसे मैंने स्मॉल किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो गया है। तो ये ज़्यादातर फोटोग्राफी के लिए यूज़ होती है, तो हमें डिज़ाइनिंग करना है तो नॉन रखना होता है, क्योंकि हमें वाइट बैकग्राउंड चाहिए होता है। तो ऑलराइट, तो ये सेम सेटिंग है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे यूनिट्स एंड रूल्स का ऑप्शन आया है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे रूल्स का है, मतलब जैसे आप इसे इंचेस में काम करना, सेंटीमीटर में काम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से ये रखना है। जैसे मैं पिक्सल रखता हूँ, क्योंकि मैं और पिक्सल में काम करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, और बाकी की जो सेटिंग है हमें सेम रखना है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे जो गाइड्स एंड ग्रिड्स की स्लाइस है, यहाँ से आप चेंज करते हैं बहुत सारी, लेकिन अब ये खाली यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते, जो हमारे ग्रिड लाइन है वहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं आप, रूल्स है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूल्स है, मैं यहाँ से एक गाइडलाइन लिया है मैंने, और देखिए इसका जो कलर है, यहाँ से इसका कलर है ब्लू। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं जाऊँगा गाइड्स में और यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी रेड लिया है, तो मैं रेड कलर करूँगा तो इसका कलर भी रेड आ जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका सेम कलर मुझे ब्लू ही रखना है, क्योंकि ब्लू मुझे हमेशा से मैं रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा विजिबल है। उसके बाद क्या, इसमें तो कुछ सेटिंग करना है नहीं, इसमें सेटिंग्स है, लेकिन हम धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत एडवांस सेटिंग है, तो हम अभी बेसिक में हैं, क्योंकि स्टार्ट में हमको बेसिक सीखना है। अगर हम बेसिक अच्छे से सीख जाएंगे, उसके बाद हम एडवांस भी अच्छे से सीख जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं आप, मैंने सॉरी सेटिंग क्लोज कर दी। उसके बाद यहाँ पे प्लग इन है, तो हमें प्लग इन में कुछ भी करना नहीं है, इसमें तो कुछ करना ही है नहीं। उसके बाद ये भी सेम सेटिंग रखना है, टाइप 3D तो हमारे कोई काम की नहीं है, इसमें भी सेम रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप टेक्नोलॉजी प्रयोग, इसमें भी कुछ करना नहीं है। उसके बाद हमारी सेटिंग जो है फिनिश हो जाती है। उसके बाद सेम हम जनरल पेज पर आ जाते हैं। उसके बाद जो डिज़ाइनिंग के लिए जो सेटिंग थी मैंने इसमें आपको समझाया, वो हमें याद रखना है, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसे सीख नहीं पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एंटीलाइज की। एंटीलाइज क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप में जो मैंने लासो टूल सिलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे आया है, उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे एंटीलाइज है, ये मार्क है, और इसका क्या प्रॉब्लम होता है और क्या यूज़ होता है हम आपको इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका यूज़ सीखते हैं। सो देख सकते हैं यहाँ पे ये अभी ऑन है, जो एंटीलाइज का ऑप्शन है ये ऑन है, और इसका क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको बता देता हूँ प्रिंटिंग में। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैंने एक स्क्वायर लिया है और मैंने इसे फिल किया है, और अभी मुझे लासो टूल है जो मैंने सिलेक्ट किया है, और मुझे इसे थोड़ा इसी से मुझे काटना है। जैसे मैंने अभी सिलेक्ट किया और मैं इसे काट देता हूँ, देखिए मैंने इसे अलग कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसके पिक्सल्स है ब्लर हो गए। तो हमें प्रिंटिंग में होता है, जो होता है हमें ब्लर नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए ये एंटीलियस प्रॉब्लम देता है। तो हमेशा जब भी प्रिंटिंग की डिज़ाइन बनाए तो हमें इसे ऑफ रखना है। ये किस किस टूल में आता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लासो टूल से इसे हटा देते हैं, अनमार्क कर देते हैं। उसके बाद ये आता है मैजिक वॉन्ड में। मैजिक वॉन्ड मीन्स हमारा सिलेक्शन टूल जो होता है उसमें भी आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटीलियस है, और इसे भी हमें बंद करना है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप सेटिंग देख सकते हैं, टॉलरेंस हमें 32 रखना है, क्योंकि ये सिलेक्शन का जो कैपेसिटी ऑप्शन है वो वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे पेन बकेट की, जो हमारे जिससे हम कलर भरते हैं, जो आउटलाइन में कलर भरते हैं या बैकग्राउंड में कलर भरते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेन बकेट, इसमें भी हमारा जो होता है इसमें एंटीलियस होता है, इसे भी बंद करना होता है। और ये वर्क कैसे करता है आपको बता देता हूँ। जिस तरह से मैंने अभी देखिए मैंने इसे ऑन किया है, ये ऑप्शन जो है हमारा एंटीलाइज का ऑन है। तो अभी इसी मैंने जैसे यहाँ पे मैंने इसे आउटलाइन दे दी है 5 पिक्सल की। अभी मीन्स मुझे इसमें कलर भरना है, मैं भरूँगा इसमें ब्लैक कलर, ब्लू कलर। उसके बाद मैं इसमें भरते जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं मैं कलर भर रहा हूँ, तो ये किस तरह से भरते जा रहा है, देखिए इस तरह से ये ख़राब हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, सिंपल बात है, एक मिनट आपको बता देता हूँ। तो हमने इसे अभी ऑफ़ कर दिया, उसके बाद हम कलर भरेंगे तो ये एग्जैक्ट वो आउटलाइन के सेंटर में बैठ जाएगा, और उसके बाद आप कितनी भी बार क्लिक करेंगे तो वो कलर बाहर नहीं निकलेगा। तो ये इसका ये यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करेंगे पेंडुल की। पेंडुल में भी एंटीलियस होता है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं दिखता है। तो इसका ऑप्शन कहाँ पर होता है तो मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे आपने यहाँ पर एक आउटलाइन बना दिया, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह से मैंने अभी एक ऑप्शन बना दिया है,
यहाँ पे एक मैंने फिगर बना दिया है, और अभी मुझे इसे आउटलाइन देना है, तो मैं आउटलाइन तो दूंगा, लेकिन देखिए मैं अभी क्या करना है, मुझे मेक सिलेक्शन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेक सिलेक्शन का ऑप्शन है, देख सकते हैं मैंने जहाँ पे मार्क किया है मेक सिलेक्शन। तो हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले जो हमने टूल बनाया था इसे राइट क्लिक करना है, इसे सिलेक्ट करके और इसके करना है मेक सिलेक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटीलाइज का जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे है, और अभी ये ऑफ है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देगी, लेकिन प्रॉब्लम जब हमें देगी, जब ये ऐसा ऑन रहेगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम देगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी देखिए मैं इसे स्ट्रोक देने वाला हूँ, स्ट्रोक मैंने दिया है 5 पिक्सल का, 5 पिक्सल का। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये ब्लर आया है, तो हमें आउटलाइन जो होती है वो ब्लर नहीं चाहिए होती है। तो हमें क्या करना है, इसके ऑप्शंस में जाना है यहाँ पे मेक सिलेक्शन में, और यहाँ से हमें ये एंटीलेस ऑफ करना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये सिलेक्शन आया है, उसके बाद मैंने स्ट्रोक दिया है और ये जो हमारा है स्ट्रोक वेक्टर साइज में आ गया। तो ऐसे इस एंटीलाइज का यूज़ होता है, तो जब भी हम डिज़ाइनिंग जब बनाते हैं तो एंटीलाइज हमें बंद करना है। अगर आप डिजिटल की डिज़ाइन बना रहे हैं तो एंटीलाइज का कोई उसमें इशू नहीं आता है, क्योंकि ब्लर डिज़ाइन तो डिजिटल में चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरह से हमारी ये थोड़ी सी सेटिंग थी, उसके बाद हम बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप राइट साइड में मेरे पास थोड़े पैनल्स है, जहाँ पर मैंने रखा है लेयर्स, चैनल्स एंड पाथ्स, उसके साथ ही साथ मैंने ऊपर रखा है इन्फो, और इसका भी क्या यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्फो है मेरे साथ, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके रखा है, और इसका क्या यूज़ होता है ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इन्फो की, इन्फो का क्या यूज़ होता है, और ये इन्फो का ऑप्शंस कहाँ से हम लेते हैं। सबसे पहले हमें जाना होता है विंडोज़ में, विंडोज़ में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं विंडोज़ में सिलेक्ट किया है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप इन्फो का ऑप्शन है, आपको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका जो शॉर्टकट है वो है F8। इसे आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं, ऑल राइट। तो इसका यूज़ क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें थोड़े ऑप्शंस है, जैसे आप इधर माउस घुमाएंगे तो इसकी जो रोटेशन है इधर उधर जाती है, तो यहाँ से साइज़ चेक कर दिए है। तो सबसे पहले आपको यूज़ बता देता हूँ, ये जो हमारा प्लस का जो हमारा यहाँ पे ऑप्शंस है, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम इंचेस में काम कर रहे हैं, जैसे आपको बता देता हूँ, देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स एक्सेट्रा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका क्या यूज़ होता है, जैसे अभी मुझे कोई मेजरमेंट करना है, लाइक अभी जैसे मुझे 1 इंच का स्क्वायर लेना है, तो मैं कैसे लूँगा, अभी देखिए यहाँ से तो मैं एक तो है, देखिए यहाँ से मैंने जैसे जैसे ये बॉक्स मैं करूँगा तो इसकी साइज़ यहाँ पे आ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क करके, यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये पिक्सल्स में है, पिक्सल्स में है इसलिए इसकी जो साइज़ है पिक्सल्स में आ रही है। अगर आप इंचेस में करते हैं तो इसकी साइज़ जो है इंचेस में आएगी। देखिए मैंने इंचेस सिलेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.150 इसकी साइज़ है। तो इस तरह से ये काम करता है, कुछ भी हमें मेजरमेंट की ज़रूरत होती है तो ये उसी के लिए यूज़ होता है, और ये हमेशा हम इसे ओपन करके रखते हैं, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोटोशॉप। तो हमें क्योंकि जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो ये हमें यूज़ में आता है। तो जैसे जैसे हमें जैसे अभी मैंने आपको साइज़ का बताया, तो जैसे अभी मैंने इतना बड़ा स्क्वायर लिया, अभी मुझे इसकी साइज़ चेक करना है, तो मैं यहाँ पे साइज़ चेक कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं साइज़ भी चेक कर सकता हूँ कि इसकी साइज़ कितनी है। तो अब अगर इसमें अभी थोड़ी इसमें और सेटिंग है, देखिए अगर मुझे एग्जैक्ट लेना है साइज़ 3x3 की, तो मैं कैसे लूँगा, तो आप देख सकते हैं हमारे जो रेक्टेंगुलर है हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, उसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर टॉप में यहाँ पर इसके ऑप्शंस है, स्टाइल, नॉर्मल, ऑल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी हमें एग्जैक्ट साइज़ लेना है, तो हमें क्या करना है, हमें रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद जो हमारे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, तो हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो हमें सिलेक्ट करना है फिक्स साइज़, मीन्स एक हमें फिक्स साइज़ चाहिए। तो आप उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शंस आए हैं, 2 ऑप्शंस आए हैं, और ये अभी पिक्सल्स में है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक कर दें, आपको मैं ऑप्शंस दिखा देता हूँ, अगर देख नहीं रहे होंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। और अगर आप इसे अभी अब ये पिक्सल्स में अभी हमें क्या करना है, इसे हमें राइट क्लिक करके वो जो हमारा बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करना है राइट, और इसमें इंचेस में करना है। आप देख सकते हैं सेम टू सेम मैं कर रहा हूँ, सॉरी सेंटीमीटर में हो गया, इंचेस में किया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा, और उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे भी 3 लिखूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3x3 लिख दिया है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ,
अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो हमारा वाइट बैकग्राउंड है वहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी जो साइज़ है एकदम करेक्ट आई है। 1 मिनट, जो हमारे कैनवास साइज़ है अभी थोड़ी कम है, तो इसलिए हम थोड़ी कम ले लेते हैं। जैसे मैं 1x1 का साइज़ ले लेता हूँ, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट जो हमारी साइज़ है 1x1 यहाँ पे आई है। अगर आप कोई एक एग्जैक्ट साइज़ लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगुलर को। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप टॉप में जो हमारे ऑप्शंस है यहाँ पे, इसे सिलेक्ट करके यहाँ से आप साइज़ फिक्स कर सकते हैं जो साइज़ आपको चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी जो साइज़ है यहाँ पे 1x1 है, 1x1 है, देख सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, अगर इसको हटाना है तो हमें क्या करना होता है, क्या करना होता है, सिंपली हमें क्या करना होता है, नॉर्मल में जाना है, नॉर्मल में जाना है, उसके बाद ये साइज़ चले जाती है। अगर आप इसे इसी तरह से रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम देगी, जैसे जब भी आप रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे तो ये एक जैसे आपने साइज़ डाली है इसमें 1x1 की, तो यही साइज़ आएगी। तो हमें ये साइज़ हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, नॉर्मल करना है और दैट्स इट। उसके बाद ये साइज़ जैसे आप सिलेक्ट करना चाहें उसके बाद कर सकते हैं। तो ये थी हमारी दूसरी पहली सेटिंग जो इन्फो का यूज़ होता है। यहाँ से आपको मैंने बताया कि यहाँ से आप पिक्सल में कर सकते हैं, इंचेस में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, यू नो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पिक्सल्स है इंचेस में काम करें, सेंटीमीटर में भी काम कर सकते हैं लेकिन इंचेस और पिक्सल्स में ज़्यादातर काम होता है। और मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से, हमें तो बहुत कुछ सीखना है तो हम धीरे धीरे सीखेंगे, सबसे उसके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, नहीं तो आप सब गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लेयर्स हैं, तो हमारा लेयर्स में क्या यूज़ होता है, सबसे पहले क्या होता है, एक लेयर है, मीन्स आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर हम लेयर के ऊपर करते हैं। तो लेयर में क्या होता है, एक लेयर में हम मल्टी कलर की डिज़ाइन बना सकते हैं, जितनी चाहे हम उतनी डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस है बहुत सारे, कैपेसिटी, फिल, ऑल ऑल दैट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। उसके बाद आप नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो कि लेयर के रिलेटेड है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम क्या बात करेंगे चैनल्स की, मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ 1 मिनट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चैनल्स की भी बात हम करेंगे, लेकिन इस अभी इसमें हमें जाना नहीं है क्योंकि ये खाली एक मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका भी हमें यूज़ होता है, चैनल्स का ही मेन होता है, लेयर का भी मेन होता है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम डिज़ाइनिंग सीखते हैं तो हम पहले लेयर्स में बनाते हैं क्योंकि ये इजी वे है, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर चैनल्स में बनाना सीख जाएंगे तो हम लेयर का सीख ही नहीं पाएंगे। तो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू। सो चैनल्स भी है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं उसके एक बाजू में पाथ का ऑप्शन है, पाथ आप देख सकते हैं यहाँ पे। पाथ का क्या यूज़ होता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो जैसे अभी अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं पेन टूल से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पाथ है जो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पे सिलेक्ट होता है वो। जैसे मैंने इसे एक स्ट्रोक दे दिया, तो अभी मुझे इसे 10 10 पिक्सल का स्ट्रोक देना है, या मुझे वो पाथ चाहिए जो मैंने मारा था उसमें मुझे करेक्शन करना है, तो वो कैसे लाएंगे हम, तो वो यहाँ पे आ जाती है। जैसे मैंने इसे डिलीट कर दिया और मुझे वो पाथ चाहिए जो मैंने मारा था, जो मैंने ड्रॉ किया था, तो आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है और ये पाथ यहाँ पे आ गई है। तो इसी तरह से ये भी वर्क करता है। जैसे अभी मैं दूसरी, अभी इसको मैं डबल क्लिक करके सेव कर दूंगा इसके ऊपर, अगर आपको ये पाथ सेव करना है तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करके ओके कर सकते हैं, ऑलराइट। और जैसे अभी मैं दूसरे जैसे दूसरा मैं कुछ ड्रॉ करूँगा यहाँ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी पाथ जो है क्रिएट हो जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी पाथ एक क्रिएट हो गई। तो इसी तरह से ये टूल काम करता है, जितनी आप पाथ मारेंगे वो उतनी पाथ्स में सेव होते जाएगी, ऑलराइट। उसके बाद चैनल्स तो सेम है, चैनल्स में हम बाद में आएंगे, धीरे धीरे उस पर आएंगे, लेकिन लेयर्स में हम धीरे धीरे जाएंगे क्योंकि हम अभी हमारी सेटिंग्स तो हमने सब जो है हमारी सेटिंग फोटोशॉप के लिए यूज़ होती है वो सब हमने 2 क्लास में कंप्लीट कर ली है, लेकिन धीरे धीरे हम सब को डिटेल्स में समझेंगे। अभी मैंने खाली टूल्स के बारे में सब बताया नहीं किस तरह से कौन सा टूल यूज़ होता है, तो धीरे धीरे हम एक डिज़ाइन बाय डिज़ाइन जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि किस तरह से कौन सा टूल यूज़ होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, नीचे ऑप्शंस है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने मार्क किया है, 1 मिनट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो ऑप्शंस है यहाँ पे, तो हमें अगर हमें कोई नई लेयर लेना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शंस है यहाँ पे,
जहाँ पे मैंने मार्क किया, जहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, यहाँ से आप न्यू लेयर ले सकते हैं। देखिए यहाँ से आप न्यू लेयर लग से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ से आप बहुत सारे लेयर भी ले सकते हैं। उसके बाजू में जो ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी है यहाँ पे, जहाँ से आप इफेक्ट दे सकते हैं। इसके बाद में इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो लेयर्स का जो हमारा यूज़ होता है वो यही होता है। तो यहाँ से हम क्या होता है, जैसे हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे मुझे ड्रॉ करना है, कुछ भी ड्रॉ करना है, जिस तरह से जैसे मैंने ड्रॉ किया अभी, ये सब इस तरह के मेरे को कोई ड्रॉ करना होता है तो मैं लेयर में करता हूँ। तो अभी लेयर में क्या होता है, स्टार्टिंग में हम जब डिज़ाइन सीखते हैं तो हम लेयर में सीखते हैं, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ से कुछ लेयर्स लेना है तो यहाँ से कुछ भी लेयर्स ले सकते हो। ये ज़्यादातर डिजिटल के लिए यूज़ होता है, लेकिन डिजिटल का जो कोर्स है हमारा ये प्रिंटिंग के बाद आएगा। तो क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, पहले प्रिंटिंग सीखेंगे। अगर आप एक बार प्रिंटिंग सीख गए तो आपके लिए डिजिटल एकदम ईजी है, उसमें कुछ करना है ऑलरेडी आप फोटोशॉप को जान जाएंगे। उसके बाद तो अपना दिमाग लगा के आप डिजिटल सीख ही जाएंगे, फिर भी हम आपके लिए वो कोर्स लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी जो मेन सेटिंग थी हमने सीखी है आज, कि किस तरह से फोटोशॉप की सेटिंग्स होती है, किस तरह से हमें सिलेक्ट करना होता है। और उसके बाद ही हम बात करेंगे थोड़ी पेन टूल के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेन टूल की थोड़ी ऊपर एक सेटिंग्स है, यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग्स है, यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे थोड़ी सेटिंग है, थिकनेस, जो हमारी रबड़ की थिकनेस है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, पाथ का कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ब्लू ठीक है। उसके बाद आप रबर बैंड देख सकते हैं, मैंने इसे क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या होता है, तो मुझे रबर बैंड दिखेगा नहीं, मतलब ये शो नहीं करेगा, डायरेक्टली मैं ड्रॉ करूँगा तो ये मुझे शो नहीं करेगा। ये जो इसका जो कंटिन्यू जो इसमें जुड़ा हुआ है वो दिखेगा नहीं। तो इसमें क्या होता है, वो ऑप्शंस है और इसे हमें ऑन रखना होता है, क्योंकि देखिए अभी मुझे रबर दिख रहा है। तो इसी तरह से ये यूज़ होता है। उसके बाद तो मैंने जो बाकी के ऑप्शन है आपको सिखा दिया है। बाद में अगर आपको कुछ इस सेटिंग्स के बारे में अगर कुछ समझता नहीं है, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है या मेरी बात समझ में नहीं आई, तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो गाइज़ ये थी हमारी नॉर्मल सी डिज़ाइनिंग की सेटिंग्स। तो ये सेटिंग्स पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो को आप जितना जितना देख सकते देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप एक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सेटिंग्स पता हो प्रॉपरली तो आप एक कभी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है तो मुझे बताइए, मैं बिल्कुल उसे एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करूंगा। ये थी हमारी जो नॉर्मल सेटिंग थी, जो हमारी जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट थी वो हमारी सेटिंग आज हमने सीखी। गाइज़ कल के वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे, इसी तरह से हमारे वीडियोस आते रहेंगे। अगर गाइज़ हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि इसी तरह से आपको वीडियोस रोज़ मिलते रहेंगे। गाइज़ तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।